घोटाला हो रहा है और वोट तुम्हारा है, मेरा घोटाला हो रहा है और मेरा राज्य बाहु में परेशान। अच्छा, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी तो मिलता होगा? अरे बकदी बिल्कुल ना दे, हमें फसल को लाभकारी मूल दे दे, अब मजदूरी कर दे 500 रुपए एक आदमी की मजदूर पर रखी। डीजल की कीमत जहाँ मतलब इतनी महंगी हो गई है, ये ईमानदारी और हाथ खड़े करके बता मैं अगर हमें बड़ा डीजल आसानी से मिल लो बगल सरकार पैसा दे रही मिट्टी तेल गाय भी हो। हर खबर सच्चाई के साथ। स्वागत है आपका A1 न्यूज इंडिया में, मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। आगामी विधानसभा 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी दावेदार क्षेत्र में निकलकर जनता के बीच जाकर तमाम दावे कर रहे हैं और कई तरह की पार्टियां हैं जो कि मैदान में आ चुकी हैं और अपने अपने दावेदारों को भेज रही हैं। इसी के चलते हम आज नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरहरपुर के मजरा पंडरी नौमेला में है। यहाँ पर जनता का मूड जानेंगे, जनता क्या बदलाव चाहती है या दोबारा इसी सरकार को चाहती है। क्या नाम है आपका? सोमपाल जी। सोमपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बोलो ना, वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसकी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा हो। क्या क्या लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा हो, बता तो दो। गल्लो मिल रहा हो, पैसों मिल रहा हो खेती के लिए। तो आगे आप कौन सी सरकार चल रही है यही पसंद है ना? चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम स्वरूप। वर्तमान में जो सरकार इस समय चल रही है अपने यहाँ? हाँ, सरकार तो चल रही है, सरकार की और बातें सब अच्छी हैं, लेकिन जो है डीजल पे महंगाई है, जो साढ़ छोड़ रखे हैं। वोट तो हम मोदी योगी को देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें किसान सम्मान निधि मिल रही है, हमें गल्ला भी मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ऑनलाइन जो दूसरे खाते में पैसा चला जाता आज हमारी ऑनलाइन की सुविधा कर दी है सरकार ने, बहुत सुविधाएं दी हैं, लेकिन इतनी सुविधाएं गलत है। बस आगे में आवारा पशु की समस्या नहीं है? आवारा पशु की तो समस्या ही है, यही तो लंबी समस्या है। क्या नाम भैया आपका? सतीश। आवारा पशु की क्या समस्या है आपके यहाँ? आवारा पशु का समस्या आएगी, जो सब जो फसल चुके जा रहे हैं, बस जिनकी व्यवस्था करवा दे सरकार। राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है राशन? जो 5 किलो यूनिट पर और महीने में 2 बार फ्री। तो यही सरकार आप चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? सरकार तो यही बढ़िया है। सरकार यही बढ़िया है। कैसे? सरकार का जो है सब सुविधा है, विकास कराया है। हम और लोगों से अभी बात करते हैं, यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। हरीश कुमार जी एक नौजवान हैं और नौजवान को ही लेके बात करते हैं, नौजवानों को कितना लाभ हुआ है, जैसा कि सरकार जो दावे कर रही है नौजवानों को नौकरी को लेके, क्या कहना चाहेंगे जी? नौकरी मतलब ऐसा है ना, नौकरी मिलती, लेकिन जो हमारे 2 साल अभी उसमें बीत गए कोरोना में, उसकी दिक्कत से हमें नौकरी नहीं मिल पाई। फिर और मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं उनको नौकरी मिले, ठीक है, उनका तो यही कहना है। लेकिन जो हमारे आगे जो बीमारी चल रही है उससे अभी हमारा देश ग्रस्त नहीं हो पाया है सही से। सरकार की जो योजना चल रही है उसका लाभ मिल रहा है? हाँ जी। क्या क्या लाभ मिल रहा? लाभ पूरा मिल रहा है, जो उन्होंने योजना निकाली है, ठीक है, जो उन्होंने चलाई है उसका सब मिल रहा है, जैसे गल्ला हो गया, ठीक है, और ये किसान सम्मान निधि हो गई, ठीक है, ये सब मिल रहा है। अच्छा, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो महंगाई तो एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो अभी हमने बताया कि 2 वर्ष मतलब भाई हमारी कोरोना काल में मतलब देश चला था, उसमें महंगाई बढ़ी, ठीक है, सब साल में बंद रहे, फैक्ट्रियाँ बंद रही। अच्छा, कोरोना काल में जिस तरह मजदूर पैदल चल के आए थे, छाले पड़े थे, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो वो ये अचानक की घटना थी, ठीक है, इतना बड़ा देश है, ठीक है, और वहाँ पे पता नहीं कि कहाँ कहाँ पे मतलब हमारे जो मतलब मजदूर लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मतलब इतनी जल्दी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई संभालने के लिए, जैसा उन्होंने संभाला वो अच्छा ही किया, जैसे जहाँ तक उनको अपने घर पर पहुँचा मिला, बस पहुँचाया गाड़ी से, बस से, ट्रेन से। आप क्या चाहते हैं, यही सरकार चाहते हैं या? हाँ, सरकार ये बहुत बढ़िया है और आगे सरकार यही बनेगी बीजेपी। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, एक हमारे महंत जी जो हैं मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है अपने जो सरकार इस समय चल रही है वर्तमान में, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ऊपर कुठा दो नहीं चाहिए। नहीं, आप बोलिए बोलिए। आप जय सिया राम। आप कृपा करो हरेपुर की बैंक में भोलानाथ बंदियत खेम करम लाल और
घोटाला हो रहा है और वोट तुम्हारा है। मतलब घोटाला वोट तुम्हारा? मेरा घोटाला हो रहा है। कैसा चाचा? क्या कि मेरे कई समय से कैसे निकाल लो और पेंशन बाजू भुगतान मेरे आओ तो भुगतान बामे जा दो। अब मैं तो जाए जाऊँ से कह दी और मैं फिर भी पहुँचाऊँ। वोट किसे देंगे? वोट देंगे वो मुंह धो के और दे चलो आओ फूल पे दे तो फूले पे देऊंगा। अब मेरो राज्य बाम में परेशान। आपका राज आप परेशान क्यों हैं? परेशान जाए हैं जो लोग कर रहे हैं परेशान। किसान किसान हैं आप? हाँ। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है आपको? वाह है चढ़ी भाई। और मेरे कई समय से घोटाला कर लो 2000 को। आपको परेशानी है लेकिन वोट जो है इसी वोट नहीं को है परेशानी हो कितनी हो। अब पूरा परिवार जाएगा जाना कि परिवार में पैसे काऊ को ना आए जब हिया हूँ तब तो मैं हूँ। क्या काम करते हैं? हम किसान हैं। किसान है? किसान सम्मान निधि आपको? हाँ सम्मान निधि मिल रही है। वर्तमान में सरकार जो चल रही है आप कितना? वर्तमान में सरकार से हम 100% 100 नंबर हैं। मर्जी आवारा सांड जी सब फसल खा ले रहे हैं इनसे जरा कुछ नाकुश हैं। इनसे आपको क्या दिक्कत है? इनसे बहुत दिक्कत है। गेहूँ 3 क्विंटल का तो 1 क्विंटल माल कर रहा हूँ। धान 3 क्विंटल 1 क्विंटल माल कर रहा हूँ। गन्ना सब खाए गए? अब गन्ना सब खेत खाए गए ये। अच्छा महंगाई को लेके कुछ कहेंगे? महंगाई तो आबादी जब ट्रेन की डिब्बा गिजाई आप जानते हो देहाती क्षेत्र के शहरी इतने आए लग रहे हो तो जैसे गिजाई बढ़ रही है जनता बढ़ रही है महंगाई का तो कोई सरकार रोक ही ना सका था। जब जनता देख रहे कितने लोग आएंगे ना आप आए तो कितने आप देखो जो सब फ्री घूम रहे हैं तो महंगाई जनता जब बढ़ी है तो महंगाई को रोक ही ना सका था। अच्छा व्यापारियों के लिए जो लोग चाड़े साल सत्ता में रहे महंगाई बे ना रोक पाए जनता बढ़ रही तो महंगाई तो बढ़ने ही बढ़ने स्वाभाविक बात है। वोट लेने में कोई सी पार्टी कहते हम रोक दें कोई ना रोक पाए महंगाई। बदलाव तो हम चलो सांस है चलो वोट बीजेपी को है। ये छोटे मोटे जो बड़े फायदा का हम लेंगे देश के स्तर के लिए तो छोटे मोटे नुकसान तो होएगा ही। फसल खा लें कोई बात ना सब खा लें। जब हमारा देश सुरक्षित है हमारा धर्म सुरक्षित है तो वोट तो वही देंगे। जो विदेशी देश सुरक्षित है विदेशी ताकतें हमला ना कर पा रही है कितनी सुरक्षा की बात है। आज आतंकवादी देश में कितने घुस रहे हैं सब। पुलवामा हमला हुआ था? पुलवामा हमला हुआ तो कहाँ बहुत जम्मू कश्मीर में तो बहुत दिल्ली बम्बई में तो हमला आप ना रहो आपके बरेली ना रहो मुरादाबाद एयरबेस पर हमला करके ध्यान है। आपकी विधानसभा में सड़कें कैसी हैं? विधानसभा में सड़कें बहुत बढ़िया हैं। सड़कें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। आपकी सीटें आवेंगी 350। अच्छा अपने यहाँ बीजेपी से कई दावेदार हैं? हाँ दावेदार हैं तो पार्टी सबको प्रचार चार दावेदार हैं चारों को पार्टी प्रचार पार्टियों को तो कर रहे हैं चारों। और जिसको टिकट मिले हम लोग बाकी संघ हैं भले ही 5 मई को मिल जाए टिकट सब लोग बीजेपी। अच्छा आप क्या कहेंगे? हाँ यही है बीजेपी से खुश। बीजेपी से खुश है। क्या क्या योजनाएं चल रही है कितना लाभ आपको? योजनाएं तो बहुत कुछ चल रही हैं। सम्मानित योजना मिल रही है गल्ला भी मिल रहा है। हाँ सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अभी और बात करते हैं यहाँ पे एक चाचा हमारे और बने हुए हैं उनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अमर सिंह। चाचा वर्तमान में अपना जो सरकार चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार तो साहब बहुत बढ़िया मगर थोड़ी समस्या है डंगरन की गाय भाई बैल जो छोड़ रखे हैं बहुत ज़्यादा काश्कार नुकसान है लोगों। तो ये सरकार ने थोड़ी छोड़े है तो किसानों ने छोड़े हैं तो जो इसको सरकार पर प्रबंध करे ना कहाँ करने हैं क्या नहीं करने हैं। काश्कार तो वैसे ही मरे जा रहे हैं बताओ। खाद भी महंगी डीजल भी महंगो ऊपर से जो गाय भैंस नुकसान कर रहे हैं बैल बताओ क्या कर डाले किसान। अच्छा सिलेंडर आप क्या है? सिलेंडर है आप सिलेंडरों की देखो पहले फ्री में करवा दे कनेक्शन अब 350 रुपया में भरो जाओ कैसे करके भरवा पावे गरीब आदमी 950 में बताइए आप। आप बदलाव चाहते हैं यही सरकार चाहते हैं? अरे अब जो बात साहब आगे है जैसे माहौल हो जैसे काम हो अभी इस बात को तो हम ना कह सकते हैं किसको देना चाहिए वोट जैसे माहौल चले जी। चाचा आपसे जानना चाहेंगे वर्तमान में अपने जो सरकार चल रही है क्या राय है? क्या राय बताऊँ नहीं आपके जो विचार हैं? अच्छी चल रही है गलत चल रही है बाप बताऊँ कैसी बताऊँ? जी जी जी, जी। जब पूंजीपति के तो मतलब अनुकूल है और गरीब जनता के बिल्कुल प्रतिकूल है समझे आप तो ये बात में। नहीं तो आप कहने का मतलब ये आप बदलाव चाहते हैं या यही सरकार चाहते हैं? सरकार उस मामले में सही है लेकिन ज़्यादातर हितैषी है पूंजीपति। कैसा अब बता लो कैसे आपको? आप बताएं। हम बता रहे हैं आपको जी जी। अब जो डीजल में इतनी महंगाई बढ़ी है
जो हमारी जुताई हो जाती 80 रुपया बीघा 100 रुपया बीघा, फिर बात 150 हो गई। अब जो जुताई बाई लेंगे 300, अब गरीब आदमी ट्रैक्टर तो लेना पे है। अच्छा, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी तो मिलता होगा? अरे कदी बिल्कुल ना दे, हमें फसल को लाभकारी मूल दे दें, अब मजदूरी कर दे 500 रुपये एक आदमी की मजदूर पर रखे। चाचा राशन फ्री मिल रहा है, इलाज फ्री मिल रहा है, सिलेंडर फ्री मिल रहा है। इलाज कहाँ फ्री मिल रहा हो, सिलेंडर कहाँ फ्री मिल रहा हो? आयुष्मान योजना के तहत इलाज फ्री है कहाँ? आयुष्मान योजना सबके कार्ड ना बने, विचार लोगों ने बने, फ्री कहाँ है? 70,000 लगा कर आए हम, आए जो गरीब आदमी जी क्या कह रहे हैं, 70,000 लगा कर आए, अब हमारे जो कागज धरेंगे जो आयुष्मान जो कार्ड से हम अबे धरो हम लोड़ा इलाज कराओ। किस में लगा के आए? वो है वो दी वो दीपो कौन सो, हाँ वो दी आई की दीप पे नाम है वो। राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा हो, राशन भरपूर मिल रहा हो। जैसे जो किसान है, हाँ किसान है आप? हाँ छोटे से किसान है जरा से। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी आपको मिलता है? वो मिल रहा हूँ। आप क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो ना चाह रहे हैं जैसे। अच्छा सरकार जैसे बत्ती है, जैसे बत्ती को उसे बहुत से जाए बत्ती सरकार, उस वक्त सरकार बनी तो जाके की बत्ती बाकी अगर वो छोटे कारखानों को कर्जा माफ़ करेंगे, बहुत सरकार ने ना करो बत्ती बिल कई जगह माफ़ी में बेहू माफ़ ना करे हैं अभी तक। अच्छा आपके यहाँ बिजली जो है कितने घंटे आ रही है? बिजली कोई लिमिट ना है, लगभग 20 घंटा दे दें, 4 घंटा दे दें। आप क्या कैसी आ रही है? हाँ 1 घंटा ना दे, अपने यहाँ बता रहे हैं बात, बहुत उनके ऊपर है। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बुजुर्गों से जानते हैं वो क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या इस सरकार की वापसी चाहते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हम तो ना बोले यही सरकार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि नहीं? कौन सी सरकार? अपने यहाँ जो इस समय चल रही है ठीक चल रही है। चाचा आप कुछ कहेंगे? हम भाई कुछ ना कहेंगे, हमें तो आंदोलन कर रहा है। हाँ कृषि के तीन काले कानून ने मतलब जो पास करे हैं उनकी वापसी की बात कर रहे हो, आज तक इन्हें ना करे हैं तो हम तो जय कर रहे हैं, कानून वापस करते हैं तो जो अच्छी बात है। सरकार का तो मानना ये है वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं खालिस्तानी पाकिस्तानी है, किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं है। हाँ बात बहुत सही है आपकी, बात सही है। आपकी क्या राय है? अब मुजफ्फरनगर में रैली भैया 50,000 इकट्ठे, वे सब खालिस्तानी पाकिस्तानी है, वे सब खालिस्तानी पाकिस्तानी देखो किसान थोड़े। सरकार कह रही है जो किसान बिल की जो बात कर रही है वो कह रही है इसमें कुछ ऐसा नहीं जिससे किसानों को कोई दिक्कत हो। अरे देखे ना डीजल की कीमत जहाँ मतलब इतनी महंगी हो गई है, ये ईमानदारी से हाथ खड़े करके बता मैं, हमें बड़ा डीजल आसानी से मिल लो मगर घर घर पैसे दे रही मिट्टी तेल गायब है वो। हाँ बत्ती अपने टाइम तक आई आई ना आई, हाँ रात में रोटी अंधेरे में खाने पड़ते, कभी बत्ती बारी मार सका था क्या कर सका था। आपके यहाँ बिजली सही नहीं आती है? सही कहाँ आती है, मतलब रोटी टाइम होते ठप कर दे रहे। अच्छा अरे इस सरकार में अयोध्या में राम मंदिर भी तो बना है, अयोध्या में राम मंदिर भी तो बना है। राम मंदिर संतोष राम की भाई की बात ना, राम मंदिर संतोष राम मंदिर के खिलाफ होंगे भाई, राम मंदिर हम खिलाफ थोड़ा है। बिजली फ्री मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है, इलाज फ्री मिल रहा है, इलाज के फ्री मिल रहा है, आयुष्मान योजना के तहत जो है गरीबों को इलाज फ्री मिल रहा है। तो आयुष्मान जिले में तो हमारे को फ्री मिल रहा है, हम तो अपने पैसा से इलाज करवाए। वर्तमान में जो सरकार चल रही है मोदी जी की, जी जी योगी जी की, प्रदेश में योगी जी की है। हाँ बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। रोजगार आपको मिला है? सब कुछ मिला हुआ, संतुष्ट है? हाँ गल्ला उल्ला सब कुछ मिल रहा हो, जी जो बुराई करें पे करें हम सब कुछ मिल रहा। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की, तमाम तरह की जो है यहाँ पे लोगों ने बात कही है। आगे भी इस तरह हम दूसरे गांव का दौरा करेंगे, आगे भी अपने कवरेज के माध्यम से आपको दिखाएंगे। बने रहिए एवन न्यूज इंडिया के साथ, देखते रहिए परवेज अंसारी की रिपोर्ट। एवन न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।